कॉस्ट थी वो प्रॉफिट बन गया। अंशुल जी कैसे देखें, पीसीजे को चल भी चुका है लेकिन शेयर, अब ये भी कंसर्न है, तो अब चले हुए को देखें या रिजल्ट्स को देखें? देखिए रिजल्ट्स को देखना चाहिए, क्योंकि अगर रिजल्ट इसी तरह से कंटिन्यू रह गए तो ये स्टॉक वापस से अपना ऑल टाइम हाई जो 700 के आसपास था, सॉरी 500 550 के आसपास था, उसको आराम से टेस्ट कर सकता है। मैं एक चीज नोट कराता हूँ आपको, सेल्स देखिए पिछले दो क्वार्टर में 40 करोड़ 48 करोड़ थी, करेंट क्वार्टर में जो भी रिजल्ट आया है 401 करोड़ थी, और प्रॉफिट 3.4, ईपीएस जो रहा है 3.40 रुपए रहा है। तो अगर ये इंटरेस्ट कॉस्ट इसी तरीके से घटती है और ये सीधे बॉटम लाइन पे जाता है, प्रॉफिट पूरा अगर बॉटम लाइन में आता है, तो आप मान के चलिए कि अगले दो क्वार्टर ट्रिपल डिजिट ईपीएस ग्रोथ रहेगी, और अगर 3 से 4 क्वार्टर ट्रिपल डिजिट ईपीएस ग्रोथ रहती है तो जहां से ये ग्रोथ स्टार्ट हुई है वहां से स्टॉक आराम से डबल हो जाता है। तो अगर ये दो क्वार्टर में, अगले क्वार्टर में 213% की एक्सपेक्टेशन है, उसके अगले क्वार्टर में 179% की एक्सपेक्टेशन है, और सेल्स ग्रोथ भी एक्सपेक्टेड है, तो अगर जिस हिसाब से रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड है आ जाते हैं तो मान के चलिए कि स्टॉक बहुत आराम से यहाँ से डबल हो सकता है। तो इंटरमीडिएट थोड़ा सा करेक्शन रहेगा क्योंकि रिजल्ट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3 महीने में आते हैं, तो ऐसा नहीं कि स्टॉक नहीं ट्रेड करेगा, स्टॉक रोज ट्रेड करता है, तो मिडवे करेक्शंस रह सकते हैं, बट ओवरऑल जो एक्सपेक्टेशन है अगर मीट होती है तो कहीं भी 380 400 रुपए के टारगेट मिल सकते हैं स्टॉक में। हम काफी बुलिश हैं इसमें,